हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय AMM पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मॉरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मॉरल वैल्यू की बुक्स। बच्चों, ओपन पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 6, वर्क इज वर्शिप, मतलब काम ही पूजा है। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा राजा था, जो बहुत ही अच्छा था और सबके साथ न्याय करता था। मतलब अगर उसके पास कोई कंप्लेन लेकर आता था ना, तो वो उसका सही सॉल्यूशन निकालता था। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो राजा का मंत्री हो, या चाहे उसकी प्रजा का छोटे से छोटा आदमी हो। तो एक दिन एक लकड़हारा, वुड कटर जिसको कहते हैं, वुड कटर यानी लकड़हारा जो लकड़ियां काटते हैं, वो राजा के पास आया कंप्लेन लेकर। उसने कहा कि राजा, आपकी प्रजा में, मतलब आपका जो ये शासन है, इसमें जो है सब सही नहीं चल रहा है। तो राजा ने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि आप जो है लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करे, मतलब बराबर से ट्रीट नहीं करते हो। अब देखिए, जैसे कि कहता है कि मैं एक लकड़हारा हूं, मैं पूरे दिन लकड़ियां काटता हूँ, मेहनत करता हूँ, और फिर भी बहुत कम पैसे कमा पाता हूँ। और एक तरफ आपके मंत्री हैं, जो पूरे दिन कुछ काम नहीं करते, सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, और वो मेरे से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो राजा ने उसकी बात बहुत आराम से सुनी और हंसने लगे, मन ही मन मुस्कुराने लगे, स्माइली चुपचाप। तो कहने लगे, चलिए मैं देखता हूँ। तो उसे राजा जो है अपने महल से बाहर ले गए, और वहां पर एक बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी जा रही थी। जब भी वहां से निकली, तो राजा ने लकड़हारे से कहा कि तुम जाकर इस बैलगाड़ी के मालिक और बैलगाड़ी के बारे में सारी जानकारी लेकर आओ। तो जो वुडकटर था, वो भागा, क्योंकि बैलगाड़ी तो चल रही थी, वो भागा भागा गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। तो उसने कहा कि सर, उस बैलगाड़ी में राइस के यानी कि चावलों के कट्टे जा रहे हैं। तो राजा ने कहा, अच्छी बात है, ये बताओ कि ये कितने कट्टे हैं, कहाँ ले जाए जा रहे हैं ये कट्टे कहाँ ले जाए जा रहे हैं। तो वो बोला कि ये तो मैंने नहीं पूछा, रुकिए मैं अभी पूछ कर आता हूँ। वो फिर भागता है और फिर वहां पर वापस आता है बहुत हाँफता हुआ। फिर राजा से कहता है कि सर, ये अगले शहर, मतलब जो इससे आगे शहर होगा, उसमें जा रहे हैं। तो राजा कहता है, अच्छा तो ये आए कहाँ से हैं कट्टे, ये तो पूछो। तो फिर राजा, अब जो लकड़ा होता है, वो सोचता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये भी पूछना था। वो फिर भागता है, क्योंकि राजा ने उससे कहा था, तुम इसके ड्राइवर, मतलब जो जो बुलक कार्ट चला रहा है, और इसके सामान के बारे में पूरी जानकारी लाओ। अब वो फिर भागता है, वो बिल्कुल पहुंच जाता है, जो बुग्गी बहुत दूर पहुंच जाती है, लेकिन वो पहुंच जाता है और उससे पूछ कर आता है। फिर राजा के पास वापस आता है, बहुत जोर जोर से सांस लेते। तो वो कहता है कि सर, ये जो चावल हैं, ये चिल्लर से आ रहे हैं, चिल्लर एक जगह नाम है। तो राजा कहता, अच्छा तो ये बताओ, ये राइस जो है इतने दूर से यहाँ पर क्यों लाए जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ राइस दैट ही इज कैरिंग इट ओवर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, कैसी तरह के राइस है ये। तो लकड़हारा सोचता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं पूछा। वो फिर भागता है और फिर वापस आता है। जो वो थी बैलगाड़ी, वो उस शहर का गेट भी क्रॉस कर रही थी, लेकिन फिर लकड़हारा वापस आता है और सर के अपना जो है सिर झुका के खड़ा था, क्योंकि वो पूछ नहीं पाता। अब जो है राजा भी कुछ नहीं पूछता उससे। तभी वो फिर अपने मिनिस्टर को बुलाता है, उसका मिनिस्टर जो है वो कोर्ट से आता है। तो राजा उससे कहता है कि यहाँ से अभी एक बैलगाड़ी गई है, जिसमें बहुत सारा सामान था, और सिटी अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। तो तुम मुझे उसकी सारी जानकारी लाओ, और मुझे प्लीज फाइंड आउट एंड रिपोर्ट बैक टू मी, तुरंत इसकी जानबीन करो, मुझे बताओ। तो राजा की ये शब्द सुनकर लकड़हारा बड़ा खुश होता है कि ये कैसे पता लगा पाएगा, मैंने इतनी मुश्किल से ला ला के इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है। तो वो सोचता है कि अब मिनिस्टर को तो बहुत भागना पड़ेगा। तभी क्या होता है, मिनिस्टर तो कहीं नहीं भागता, वहीं खड़ा रहता है। तो वो मिनिस्टर कहना शुरू करता है कि सर, मैंने वो बैलगाड़ी को पहले ही देख लिया था, जब मैं यहाँ घूम रहा था, तो मैंने उससे सारी इंक्वायरी पहले ही कर ली थी। मैंने वो जो गाड़ी है वो चिल्लर से आ रही है और नागापुट्टिनम को जा रही है, मतलब जो अगला गांव नागापुट्टिनम है, और उसमें जो चावल हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और 70 रुपये किलो के बैग हैं वो, और वहाँ पर 35 बैग हैं। और जो ये इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई अमीर मर्चेंट है जिसकी बेटी की शादी है, तो वो दावत के लिए यहाँ पर राइस जा रहे हैं। और जो इस कार्ट का, मतलब जो इस बैलगाड़ी को चला रहा था, वो 45 ईयर्स ओल्ड है, और उसका नाम गणेशा है। अब देखो भाई, वुड कटर ने तो कितने चक्कर मार मार के एक बार बार एक एक क्वेश्चन पूछ के आया था, क्योंकि राजा ने उससे भी सेम वर्ड ही कहा था कि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, लेकिन वो पूरी जानकारी लाया नहीं। लेकिन मिनिस्टर ने तो सिर्फ घूमते हुए ही उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और उसने जो है, अब वो कहता है मिनिस्टर के, सर उसने सारे हमारे टैक्स जो है वो पे कर रखे हैं, इसलिए वो अपना लोड ले जा सकता है, और आपको कुछ जानना हो तो बताइए। तो वुडकटर स्तब्ध रह जाता है कि अरे,
इसने तो सारी बातें बता दी, ही हैड कलेक्टेड, मतलब इसने तो घूमने के, बस ये घूम ही रहा था तो इसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तब राजा हंसता और कहता है कि टेल मी, अब मुझे बताओ क्या तुम्हें लगता है कि मिनिस्टर को मैं ज्यादा पेमेंट देता हूँ? हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब ये नहीं कि आप हमेशा फिजिकली अगर आप वर्क करते हैं तो ही आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, कभी कभी मेंटल लेबर की भी जरूरत होती है। मेरे जो मिनिस्टर्स हैं वो बेशक फिजिकली वर्क नहीं करते लेकिन मेंटली वो अपने आप को पूरा स्ट्रांग रखते हैं। मतलब मिनिस्टर के पास कितना दिमाग था, उसने तो अपने आप ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली बिना किसी के कहे, और लकड़हारा कहने के बावजूद इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं कलेक्ट कर पाया। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप जो भी काम करो उसको मन से करना चाहिए, चाहे आप कोई भी काम करो, पढ़ाई करते हैं तो मन से करनी चाहिए, एनी वर्क। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, वर्क आपको भेज दिया जाएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।